सो हे मुनिवर अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। नंदीश्वर बोले, मैं भगवान शिव के तप में लगा हूँ, जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं किसी की ओर नहीं देखूंगा और मैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनका तप करता रहूंगा। अब तो भैया सुरेशा भी कहने लगी, हे नंदीश्वर आप यदि मेरी ओर नहीं देखेंगे तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और मैं शिव जी की आराधना में लग जाऊंगी। मैं भी तब तक जल का पान नहीं करूंगी, अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, जब तक आप मुझे पति रूप में प्राप्त नहीं हो जाते। अब तो सुरेशा भी शिव जी की पूजा करने लगी और वहीं जंगल में शंकर जी की पार्थिव लिंग बना करके बिलपत्र से सहस्त्रार्चन करने लगी और सहस्त्रार्चन के साथ साथ भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हो गई। अब क्या हुआ सो सुनो। पार्वती जी और शंकर जी दोनों कैलाश शिखर पर बैठे हुए थे। सुरेशा और नंदीश्वर दोनों ही भगवान शिव की कामना से, शिव जी के दर्शन की कामना से तप कर रहे थे। उसी समय दोनों की मंत्र उच्चारण की ध्वनि शिव जी के चरणों में गई। शंकर जी पार्वती से बोले, देवी आप सुन रही हो? बोले, प्रभु क्या? बोले, हमारा भक्त नंदी और देवी सुरेशा जो मरुगढ़ की पुत्री हैं, वे भजन में लगी हुई हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। पार्वती जी ने ध्यान से सुना तो सुनाई पड़ा, क्या सुनाई पड़ा कि सुरेशा और नंदी दोनों ही भजन कर रहे हैं। अब तो भैया शंकर भगवान बोले, देवी ये तुम्हारा पुत्र होगा और आगे चल करके गणेश कार्तिकेय जिस प्रकार से आगे चल के हमारे पुत्र होंगे, उसी प्रकार से नंदी भी हमारा पुत्र स्वरूप ही होगा। अब तो शंकर जी भगवती उमा के सहित अंतर्ध्यान हुए कैलाश से, और जहाँ नंदीश्वर तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, वहीं शंकर जी और पार्वती प्रकट हो गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। नंदीश्वर ने देखा कि भगवान अद्भुत भगवान सामने खड़े हैं। अब तो नंदीश्वर और सुरेशा दोनों ही गौरी शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान की अविरल छब छटा को देख करके, भगवान की गरिमा महिमा को देख करके, जिनके तेज के सामने सूर्य भी सूक्ष्म और लघु मालूम पड़ता है, ऐसे भगवान चंद्रमौलेश्वर त्रिलोचन नागेश्वर भगवान सामने खड़े हैं। नंदीश्वर ने बहुत प्रकार से स्तुति करी, नमः निष्कल रूपाय, नमः निष्कल तेजसे, नमः सकल स्वरूपाय, नमस्ते सकलात्मने, अन्य अन्य भावों से स्तुति की है। और नंदीश्वर से भगवान शंकर ने कहा कि हे नंदीश्वर तुम जो है मेरी आज्ञा से इस मरुद कन्या सुरेशा से विवाह करो और मेरे वाहन बनकर के सदा सर्वदा के लिए अपनी भार्या सुरेशा के साथ में तुम कैलाश पर्वत पर विराजमान रहो और मेरी सेवा में नित्य निरंतर अपनी रुचि रखो। इस प्रकार शंकर जी ने कहा और वहीं ब्रह्मा जी विष्णु जी नारद जी सभी देवता प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार से शिव जी की आज्ञा से मरुदगढ़ की पुत्री सुरेशा से इन नंदीश्वर का विवाह हुआ और ये नंदीश्वर भगवान शंकर के प्रमुख गढ़ कहलाए और आज भी नंदीश्वर शिवालय के आगे बैठ करके शिव की आराधना करते हैं। जहाँ जहाँ शिव का स्थान है वहाँ वहाँ नंदीश्वर की अवश्य ही अवश्य पूजा होती है और नंदीश्वर से भिन्न शिव नहीं और शिव से भिन्न नंदी नहीं। अब ध्यान दीजिएगा जो बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान की बात है। नंदीश्वर के ऊपर स्तंभ होता है, क्या होता है? स्तगु माने कंधा, और कंधा की आकृति शिवलिंग जैसी होती है गोल गोल, तो समझना चाहिए कि साक्षात शिव का ही वह स्वरूप है। इसीलिए नंदी को कभी डंडा से नहीं मारना चाहिए, किसी भी प्रकारेण नंदी का अपराध नहीं करना चाहिए। जो सांड को डंडा मारते हैं वह शिव को ही डंडा मार रहे हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। इसीलिए ये जघन्य अपराध है, कभी भी गौ माता और गौ वंश के आधारित श्री नंदीश्वर को कभी भी प्रहार करके मारना नहीं चाहिए। बोलो शंकर भगवान की महादेव 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 महादेव। शंकर भगवान कहते हैं,
हे नंदीश्वर तुम जगत पूज्य हो जाओ, मेरी कृपा से तुम मेरे वाहन बन जाओ, तुम सदा सर्वदा धर्म स्वरूप बने रहो, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों तुम्हारे चरण हो जाएं। नंदी के कई चरण होते हैं, चतुष्पाद है ना नंदी, तो चार चरण हैं, चार वेद ही नंदीश्वर के चार चरण हैं, शुक्ल यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद और देखो बोलो शंकर भगवान। तो ये चारों वेद ही भगवान नंदीश्वर के चरण बन गए। इस प्रकार से धर्म स्वरूप नंदीश्वर महाराज चारों वेदों का सार हैं, धर्म स्वरूप हैं। बोलो नंदीश्वर महाराज की जय। जय श्री भगवान ब्रह्मा कहते हैं नारद जी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें नंदीश्वर महाराज के दिव्य चरित्र का श्रवण कराया, अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी बोले भगवान आपने तो मेरे भाव को जान करके मुझे अनन्य पात्र मान करके शिव कथा रूपी अमृत मेरे हृदय रूपी पात्र में उड़ेल दिया और मुझे आनंदित कर दिया, अज्ञान की गांठ को खोल दिया। इसलिए हे ब्रह्मा जी अब अन्य चरित्र जो कि शिव जी ने कैलाश पर किए उन चरित्रों का आप कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए। शंकर जी बोले कि हे नारद अब मैं तुम्हें शिव और पार्वती की करुणामयी श्री उपमन्यु नाम के भक्त की कथा को सुनाता हूँ। ये कथा बड़ी ही दयनीय करुणामयी और भाव प्रेममयी है, बड़े ही ध्यान से इसका श्रवण करना चाहिए। हे नारद तुम पात्र हो इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष इस कथा को प्रस्तुत करता हूँ। देखो नारद देवका नाम की एक ब्राह्मणी थी। ये देवका बड़ी ही सादगी शांत स्वभाव की और धर्मशीला थी, पर दुर्भाग्यवश इसके पति का देहांत हो गया था। साध्वी होने के कारण पवित्रा होने के कारण इस देवका ने पर पुरुष से दोबारा पुनः विवाह करने का संकल्प नहीं किया। ये बोली एक मेरा पुत्र है, इस पुत्र के आश्रित होकर ही अपना जीवन निर्वाह कर लूंगी। जो सती साध्वी माताएं होती हैं वह ऐसा ही उत्तम विचार करती हैं, और दुष्टाओं के विषय में क्या कहें। देवका ने मन ही मन संकल्प किया कि मैं तन मन प्राण से एक ही पति की थी, एक ही पति की हूं। मेरा पति अब नहीं रहा शरीर से तो क्या हुआ, पर मेरा पति सदा मेरे साथ है। ऐसा विचार करके वे अपने पुत्र के आश्रित हो गई और भगवान शिव के नाम का आधार लेकर के और मन में संकल्प किया कि अब तो शिव नाम से ही मेरा जीवन जो है चलेगा और मेरे जीवन की नैया भगवान के नाम से ही पार होगी। अब तो देवका अपने पुत्र को लेकर के, पति तो मर गया, पुत्र को लेकर के अपने मायके आई। मायके में जो भाभी थी ना बड़ी कर्कशा थी, बड़ी ही कुटिला थी। अपनी नंद रानी को आया देख करके वह मुंह बनाने लगी, बोली अरे काय को आई है मेरे यहाँ। बोली आई क्या, मैं तो तुम मेरे पति मर गया और अब मेरा संसार में भाई भाभी के सिवाय कोई नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव 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 श्री राम जय राम जय जय See?
हेलो मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहार बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय 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 श्री अब गुड़ हमारे
करनाथ देखो अब गुण हमारे
देविका को आया देख करके भाभी को बड़ी जलन हुई। बोली, अरे तू मेरे घर में क्यों आई? बोली, भाभी पति के देहांत के बाद में मेरा आपके सिवाय कोई है भी तो नहीं। बोली, खुद आ गई तो ठीक है, ये बेटे को क्यों साथ में ले आई? बोली, इसे कहाँ छोड़ के आती भाभी? अब तो कहा, यहाँ हम लोगों को खाने को अन्न नहीं है, हम तुमको क्या देंगे खाने को, इसलिए चली जाओ यहाँ से। इतने में देवका का भाई आया, उसने कहा, अरे तुम इनको क्यों निकालती हो? बोले, खुद का ठिकाना नहीं है और अपनी बहन का ठेका ले रहे हो। देवका बोली, भाभी मैं इसी घर में पड़ी रहूंगी, कुटिया की साज सज्जा करती रहूंगी, साफ सफाई करती रहूंगी और मैं आपकी सेवा करती रहूंगी, आपकी गौ माता को मेरा बेटा चरा लाया करेगा, इस प्रकार से हम आपका कार्य करते रहेंगे, दो टूक खाने को आप हमें देती रहना। अब तो देवका की बात को ये समझ गई भाभी और सोचने लगी, ये खूब फोकट की मुफ्त की हमको काम करने वाली नौकरानी मिल गई। अब तो वेदका की भाभी सारा कार्य कराने लगी। इधर उपमन्यु बालक गैयाओं को ले जाता, सारे दिन गाय चराता और जब सायंकाल को आता गौधूली के समय में, उसी समय सारे गांव को धोकर के अपनी मामी को देता, लेकिन मामी मामी एक बूंद दूध बालक उपमन्यु को पीने को ना देती। लेकिन देवका पर यह देखा नहीं गया कि मेरा बालक दूध के लिए तरस रहा है। एक रात्रि को बालक अपनी माँ के पास सो रहा था, उपमन्यु ने कहा, माँ एक एक बूंद को हम तरस रहे हैं दूध की। बोले, बेटा तुम शिव की आराधना करो, शिव जी ही चाहेंगे तो तुम्हें दूध का समुद्र प्रदान कर देंगे। अब तो माँ की बात सुनकर के उपमन्यु बालक को बड़ा प्रेम हुआ और मन में बड़ा हर्ष हुआ और वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार से शिव जी की आराधना करूं। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं भगवान भोलेनाथ को कहाँ ढूंढूं, वे प्रभु मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं किस विधि से उनकी आराधना करूं? हे माता, आप कृपा करके मुझे बताइए, भोलेनाथ कहाँ रहते हैं, भोलेनाथ किस चीज से प्रसन्न होते हैं, क्या क्रिया करूं जिससे भोलेनाथ मुझसे संतुष्ट हो जाएं और मुझे दूध के सागर का वरदान दें। अब तो माँ ने कहा, पुत्र भगवान सब सर्वत्र हैं, जहाँ तुम उन्हें पुकारोगे वहीं भगवान का तुम्हें अनुभव हो जाएगा। बोले, माँ मैं गैया चराने के लिए अरण्य में जाता हूँ, क्या वहाँ मुझे शिव जी का दर्शन होगा? देवका बोली, हाँ पुत्र तुम्हें निश्चित रूप से ही भोले बाबा का दर्शन होगा। तुम करुण क्रंदन करते हुए आर्त नाद पूर्वक श्री सदा शिव जी का ध्यान करना और उन्हें उच्च स्वर से रो रो करके पुकारना, निश्चित ही तुम्हें भोले बाबा की प्राप्ति होगी। और देवका ने इस प्रकार अपने पुत्र को समझाया। प्रातःकाल गायों को लेकर के जब गैया चराने को गया, उसी समय सुंदर बसंत ऋतु थी और सुंदर हवा चल रही थी। उपमन्यु के मन में भगवान शिव के दर्शन की कामना से तप करने का संकल्प उठा और माँ के कहे अनुसार वहीं शिव जी के लिंग की स्थापना करके वहीं शिव जी की बिल्व पत्र आदि पत्रों से पूजन करने लगा और सुंदर पुष्पों को अर्पित करके तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरो है, मंजरी से युक्त तुलसी पारिजात हर श्रृंगार कनेर और सरोरु है माने कमल का फूल, ये सब भगवान शिव को अर्पित किए और शंकर भगवान का अर्चन किया, वंदन किया, पूजन किया और भगवान के तप में तल्लीन हो गया। जब तल्लीन हो गया तो शंकर जी तक इसके स्वर पहुंच गए। शिव जी अति संतुष्ट हुए, पर भगवान भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। क्या लेते हैं? भक्त की परीक्षा। अब तो भोलेनाथ ने इसकी परीक्षा ली। आज एक मास पूरा बीत गया, उपमन्यु ने कुछ खाया पिया नहीं, वायु का आहार लेकर के भगवान शिव की आराधना में उपमन्यु बालक लगा हुआ है। शिवजी अब अपने भक्त के इस कष्ट को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम हम, जो जीव जैसे भगवान को भजता है भगवान भी उतने ही व्याकुल हो जाते हैं। कि जो तू आवे एक पग आऊं मैं पग साठ, ओ पीछे पीछे संग चलूं कभी
कभी न छोड़ूं साथ। भोले बाबा करुणा के अवतार हैं और भगवान शिव की करुणा प्रकट हो गई। शिव जी पार्वती से बोले, देवी अभी तो मैं अपने भक्त की परीक्षा लेने जाता हूँ और जब परीक्षा में यह पूर्ण सफल हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, तब मैं इस उपमन्यु को दूध के समुद्र का वरदान दूंगा। अब तो पार्वती से ऐसा कह करके भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर भगवान शंकर ने इंद्र का रूप बना लिया। किसका रूप बनाया? देवराज इंद्र का। बड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। आज युद्ध खंड को पूरा करना है क्योंकि 11 दिन की कथा होती है, हमें मिले हैं 9 दिन। कितने दिन मिले हैं? शिव पुराण की कथा होती है 11 दिन की, तो 2 दिन की कथाओं को भी हमें उन्हीं में मिलाना है। इसीलिए सब ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। घोष में बहुत कमी है। महादेव, अब ये माइक पे नहीं बोलना, देखें कितना बोलते हैं सब लोग। महादेव महादेव महादेव। हाँ, क्या कह रहे थे हम तो यही भूल गए क्या कह रहे थे। महादेव नहीं, महादेव तो कहीं नहीं। उससे पहले क्या कहा? इंद्रदेव। हाँ, ये बहन जी बहुत ध्यान से सुनती है कथा। इंद्रदेव का रूप धारण किया किसने? भोले बाबा ने। और उपमन्यु बालक के पास पहुंच करके भोलेनाथ ने उपमन्यु से कहा, वत्स नेत्र खोलो। अब जैसे ही कान में कर्णरंध्र में शब्द गया, वत्स नेत्र खोलो, उपमन्यु ने नेत्र खोले तो भगवान इंद्र सामने खड़े हैं। हाथ में वज्र है, सुंदर रेशमी वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, वनमाला शोभा बढ़ा रही है। ऐसे सुंदर इंद्र का दर्शन किया। इस बालक ने सोचा कि यही शिव जी हैं। सो बालक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपने मुझे तप करते समय दर्शन दिया है, क्या आप शिव जी हैं? तो कहा, नहीं नहीं, मैं शिव नहीं, मैं तो देवराज इंद्र हूं। अब तो उपमन्यु बालक ने जैसे ही सुना कि ये तो देवराज इंद्र हैं, भगवान शंकर नहीं, तुरंत ही आंखें बंद करके पुनः तप में बैठ गया। अब तो भगवान शंकर कौतुकी हैं, उनने अपने कौतुक को प्रकट किया और इंद्र की वाणी में कहने लगे, इंद्र के स्वरूप में भगवान शिव कहने लगे, अरे बालक उपमन्यु, तू आंखें खोलकर मुझे देख, देख शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, वे खुद ही दिगंबर नंग धड़ंग घूमते रहते हैं, मरघट में बास करते हैं, मुंडों की माला को धारण करते हैं, नाग बिच्छू जिनके आभूषण हैं, ऐसे भोलेनाथ तुझको क्या दे देंगे जो स्वयं ही धतूरा खा करके काम चलाते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ तुझको क्या देंगे, शिव जी के पास रखा ही क्या है, और तू यदि मेरे मुझसे चाहे तो स्वर्ग का राज्य ले सकता है। अब उपमन्यु ने पुनः आंखें खोली और कहा, जो भाव भागवत जी में वृत्तासुर ने कहा है, वही भाव उपमन्यु ने शिव पुराण में कहा है कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहीय कांचे। कहा, देवराज इंद्र, आप भले ही इंद्र हैं और मैं दीनहीन हूं, पर आपने तो मुझे भूखा प्यासा पक्षी समझ लिया है। क्या समझ लिया है? जैसे पक्षी दाने को ढूंढता है, ऐसे ही तुम बार बार स्वर्ग देने का लालच दे रहे हो कि स्वर्ग दे दूंगा, स्वर्ग दे दूंगा। तो मैं पक्षी नहीं जो तुम मुझे स्वर्ग रूपी दाना डाल रहे हो। जाओ, चले जाओ, जब तक शिव मुझे नहीं मिलेंगे तब तक स्वयं लक्ष्मी जी आकर के ये कहें कि मैं तुम्हें धन से संपन्न कर दूंगी, तो भी मुझे लक्ष्मी जी से भी कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए तुम वापस लौट जाओ, जैसे आए थे तैसे ही अपने ऐरावत पर बैठकर लौट जाओ। अब तो शंकर भगवान बोले, अच्छा, जिस पर कुछ नहीं है
उस शंकर से आशा लगाता है और मैं सब कुछ देना चाहता हूँ तो मुझसे लेने की कामना नहीं कर रहा है। अरे बड़ा ही मूर्ख है, आखिर को तू बालक ही ठहरा। तुम बालक बालस्मती, तू बालक है और तेरी बुद्धि भी बालकों जैसी है। अरे मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, मैं चाहूँ तो तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। पर उपमन्यु बोले, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा प्रेम शंकर भगवान में दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? शंकर भगवान में प्रेम। अब तो भैया देवराज इंद्र का रूप धारण किए शंकर जी बोले, अरे तू मानेगा नहीं, देख मैं तुझे प्रलोभन दे रहा हूं, तू मेरी बात को मान ले, मेरे साथ स्वर्ग चल। तो उपमन्यु बोला, मेरा मन तो शिव जी के पीछे ऐसे चला गया है जैसे गाय के पीछे बछड़ा जाता है, जैसे गौ माता आगे आगे चलती हैं और दूध पीने के लालच से बछड़ा पीछे पीछे चलता है। हे देवराज इंद्र, मेरा मन तो शिव जी के पीछे पीछे ही गैया के बछड़ा की तरह चला गया है, जैसे एक प्रेम का अपने प्रियतम का ब्रह सहन नहीं कर सकती और ब्रह में रोती रहती है, उसी प्रकार मैं शिवजी के ब्रह में अब ब्रह सहन नहीं होता और मैं शिवजी की याद में ही उनका स्मरण करते हुए रोता रहता हूँ। और जैसे चिड़िया का बच्चा अपनी माँ की आह निहारता है कि चिड़िया आएगी मुंह में दाना डालेगी, इसी प्रकार मुझे एकमात्र शिवजी की चाह है, शिवजी आएंगे वे ही मेरा उद्धार करेंगे, मुझे देवराज इंद्र तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर के उपमन्यु बालक पुनः ही श्री शंकर भगवान के ध्यान में बैठ गया। अब तो भैया देवराज ने देखा कि ये किसी प्रकार से मेरी बात को नहीं मान रहा, तो अब तो देवराज ने अग्नि को बुलाया, अग्नि ने पूरा प्रभाव दिखाया पर उपमन्यु बालक हिला भी नहीं, वायु ने अपना वेग दिखाया, उपमन्यु बालक का तब खंडित नहीं हुआ। इस प्रकार से यम अग्नि कुबेर आदि वरुण आदि सभी देवता आए, वरुण ने सामवर्धक नाम के मेघों की वर्षा की, फिर भी उपमन्यु बालक का तप नहीं भंग हुआ। इस प्रकार से सभी देवताओं ने साम दाम दंड भेद कर लिया पर उपमन्यु बालक के मन में लालच नहीं आया और उपमन्यु बालक सदा शिवजी का ध्यान करते हुए भगवान में अपने मन रूपी कमल को और भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। अब तो शंकर भगवान संतुष्ट हो गए। शंकर भगवान ने देखा कि मेरी सारी परीक्षाओं को इस बालक ने पास कर लिया है और ये बालक उत्तीर्ण हो गया है। अब तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। इंद्र के रूप में कौन आया था? बोलो 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 जी। भगवान भोलेनाथ इंद्र के स्वरूप में स्वयं शिवजी ही आए थे। सो शंकर भगवान का डम 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 रू बजने लगा और भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। महादेव जी जैसे ही प्रकट हुए अपने स्वामी को देख करके उपमन्यु के नैन कमल के समान खिल उठे और हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, आंखों में करुणा लहरें लेने लगी। शंकर भगवान बोले, बस मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में विजयी हुए, बस वर मांगो। जैसे ही यह भगवान शंकर के अमृतमय वचन सुने तुरंत ही उपमन्यु बालक उठ के खड़ा हो गया और शंकर जी के चरणों में नाग की तरह लिपट गया। बोला, स्वामी आपको मैंने प्राप्त कर लिया, आपको देखने के बाद अब कुछ देखना मेरे मन में नहीं है, मेरा मन आपको अर्पित हो चुका है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब तक देवका अपने पुत्र को खोजती हुई वहां आई
और कहा, जैसे ही देखा भोले बाबा को, तो भोले बाबा को जैसे ही देखा तो भोले बाबा के चरणों में गिर गई और अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा, भगवान हे स्वामी, हे भोलेनाथ, मेरा ये जो पुत्र है इसने जन्म से लेकर अब तक कष्ट ही कष्ट उठाए हैं, सुख क्या होता है इस बात का इसको ज्ञान नहीं है। हे भोलेनाथ, अब आप ही देख लो, आप ही अपनी कृपा और करुणा से इसके सारे दुखों को दूर कर दो। देवका की बात सुन करके और भगवान शिव संतुष्ट हुए। बोले, देवका, तुमने अपने पुत्र से कहा था कि तू दूध के लिए तरस रहा है, तू शिव जी की आराधना कर, तो शिव जी निश्चित रूप से तुझे दूध का सागर प्रदान करेंगे। सो हे उपमन्यु बालक, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, भगवान विष्णु के क्षीर सागर में जाकर के तुम स्थिर हो जाओ और तुम वेदांतों के वेदांग हो जाओ और तुम शास्त्रों के शास्त्रोक्त, शास्त्रोक्त के शास्त्रों के शास्त्रोक्त ऋषि कहलाओगे और उपमन्यु नाम के तुम ऋषि कहलाओगे। मीमांसा के तुम बड़े भारी विद्वान होगे और न्याय वेदांत तुम्हारी वाणी में स्थिर रहेंगे। इस प्रकार से हे पुत्र उपमन्यु, क्षीर सागर में तुम दूध पीते हुए अनंत काल तक इस सृष्टि में आनंद लोगे, भगवान नारायण के चरणों में वास करोगे। इस प्रकार शंकर जी ने वरदान दिया है और बालक ने शंकर जी को प्रणाम किया है। तब तक इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र बोले, प्रभु मेरा रूप बना करके आप उपमन्यु बालक को इधर दीजिए, वहां जगह नहीं है। बोलिए शंकर, गांठ खोल करके और दे दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये चमक, ये दमक, फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। ये चमक, फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तो ऐसे है। ये चमक, ये चमक, ये दमक, फूल बन में महक, ये चमक, ये दमक, फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम पैसे है। मिथिला के पवन, पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बाहर तो पैसे है। ये चमक, ये दमक, फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तो पैसे है। सरकार तो वैसे है।
पवन चुम सैया के चरण, मिथिला के पवन चुम सैया के चरण, पगन में बाहर तो पैसे है चमकिए तम फुल वन में महा, सब कुछ सरकार तो मैसे है, सब कुछ सरकार तो मैसे है, सब कुछ सरकार। बोले बाबा भोलेनाथ की। तीन बार हाथ खड़े करके महादेव 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 महादेव। अब तो उपमन्यु बालक से कहा कि वत्स, तुमने जो ज्योतिर्लिंग स्थापित की है, ये ज्योतिर्लिंग इंद्रेश्वर नाम से जगत में विख्यात होगी। बोलो इंद्रेश्वर महादेव की। और कहा बोले प्रभु, आपने मुझे क्षीर सागर का स्वामी बना दिया, अब कृपा करके ये बताइए कि मैं आपकी आराधना किस स्वरूप में करूं। तो भगवान शंकर बोले, पुत्र रसलिंग की उपासना तुम करो, मेरा जो रसलिंग है उस रसलिंग की उपासना करने से तुम्हें सार्वभौम ज्योतिर्लिंगों की उपासना करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये रसलिंग क्या है? रसलिंग माने पारे का शिवलिंग। काय का शिवलिंग? पारे का शिवलिंग अगर घर में हो तो सारे ज्योतिर्लिंगों की, द्वादश ज्योतिर्लिंग और धरती पे जितने भी भगवान शिव के शिवालय हैं और जितने भी स्वरूप हैं, सब स्वरूपों का पूजन करने का फल रसलिंग में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पारे का शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शंकर भगवान ने इनको आशीष और वर दिया है। उपमन्यु क्षीर सागर में स्थित हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार से करुणा के सागर भगवान शंकर, जो कि करुणा की ही मूर्ति हैं, कृपा की ही मूर्ति हैं, वे अपने आश्रित के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। इसीलिए सदा सर्वदा उन सदाशिव का ही ध्यान करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, भगवान शंकर जी ने त्रिपुरासुर का वध किस प्रकार किया, और जो ताड़कासुर है इसका वध होने पर ताड़कासुर के तीनों पुत्रों ने क्या किया, सो कृपा करके बताइए। शंकर भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, ताड़कासुर के तीन ही पुत्र थे, तारकाक्ष विमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों ही पिता की मृत्यु के बाद में देवताओं से घिसे आ गए और बोले, जिन देवताओं ने हमारे पिता को मारा है उन देवताओं को हम नष्ट करेंगे। अब तो नष्ट कैसे करें, देवताओं का बल तो यज्ञ से बढ़ रहा है, जगह जगह यज्ञ होते हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ में आहूति दे करके देवताओं का बल बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को और यज्ञों को नष्ट करो, ये नष्ट हो जाएंगे तो अपने आप ही देवता निर्बल हो जाएंगे, और जब देवता निर्बल हो जाएंगे तो इनको नष्ट करने में सहजता हो जाएगी। अब तो विद्युन्माली तारकाच विमलाक्ष तीनों मिल करके और जो है कि तपस्या में लग गए, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वर मांगो। ब्रह्मा जी से तीनों भाइयों ने कहा, हमें त्रिपुर दे दो। तो लोहे का, स्वर्ण का और चांदी का, इस प्रकार से तीनों भाइयों को तीन लोक दे दिए और कहा, भगवान किसी मनुष्य के हाथ से, किसी देवता के हाथ से, किसी भी स्त्री के हाथ से हमारी मृत्यु ना हो, किसी अस्त्र शस्त्र से हम ना मरें, स्वयं भगवान शिव पिनाक धनुष धारण करके हमें मारें। और जब शिवजी सब देवताओं के रथ पर बैठ करके आवें, सर्वदेवमय रथ हो, उसमें चार वेद घोड़े हों, उस घोड़ों पर बैठ करके भगवान आवें, तब ही हमारा नाश हो, अन्यथा हमारा नाश नहीं हो। ब्रह्मा जी बोले, एवमस्तु। अब तो त्रिपुर ने तारकाच विमलाच और विद्युन्माली तीनों भाइयों ने लोहे का, सोने का, चांदी का त्रिपुर ले लिया। अब तो तीनों लोगों के यज्ञ बंद करा दिए, ब्राह्मणों को और गौ माता को कष्ट देने लगे। अब तो हाहाकार मच गया, सभी देवता विष्णु भगवान की शरण में गए। बोले भगवान, ये
तीनों भाई बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, बड़ा पाप कर रहे हैं। इनके आतंक से आतंकित होकर के हम सभी देवता आप जनार्दन भगवान की शरण में आए हैं। उसी समय भगवान विष्णु बोले, देवताओं इन तीनों का बल क्यों बढ़ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये बड़े ही राक्षस जो हैं बड़े तपस्वी होते हैं। ये जितने भी राक्षस हुए इनने बड़े बड़े तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, लेकिन गलती क्या करते हैं? तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर लेते हैं लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, बस ये गलती हो जाती है। तब असुरों से ज्यादा तपस्वी तो देवता भी नहीं है, इतना तपस्या करते हैं असुर और बड़े बड़े वरदानों को प्राप्त करते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? कमी रह जाती है कि तपस्या करने के बाद शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और शक्ति से सब लोगों को परेशान करते हैं। बस विष्णु भगवान बोले कि ये जितने भी तीनों भाई हैं, तारकाक्ष, विमलाक्ष और विद्युन्माली, ये तीनों ही तीन काल की संध्या करते हैं। क्या करते हैं? तीन काल की संध्या। इसी कारण से इनका बल पुष्ट होता जा रहा है। कैसे भी करके इनका बल, इनको तीन काल की संध्या करने से रोकना होगा। जब ये तीन काल की संध्या नहीं करेंगे, गायत्री का आवाहन नहीं करेंगे, तो तुरंत ही ये बलहीन हो जाएंगे, इनका तेज नष्ट हो जाएगा और तुरंत ही ये भगवान शंकर के द्वारा मारे जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने उसी समय अपने हृदय से एक पुरुष को प्रकट किया जो नंग धड़ंग था और जो कि पिच्छी लेकर के, मोर पंख की लेकर के घूम रहा था। बोले, भगवान आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं? भगवान विष्णु बोले कि हे पिच्छीधारी दिगंबर, तुम जाकर के तारकाक्ष, विमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों भाइयों को ऐसी पट्टी पढ़ाओ कि वे तीन काल की संध्या करना छोड़ दें, शिव की आराधना करना छोड़ दें, वे राक्षस आसुरी स्वभाव से और परिपूर्ण हो जाएं। बोले, ठीक है प्रभु। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तीनों भैया इतने चालाक थे कि किसी की बातों में नहीं आते थे। तो जैसे ही वो दिगंबर, पिच्छी वाला दिगंबर आया और उसने कहा, अरे भाई तुम ये क्या संध्या बंधन करते हो, ये सब झूठी बातें हैं, तुम लोग क्या कर सकते हो? अरे गंगा जी से भला किसी की मुक्ति हुई? मछली तो गंगा जी में ही रहती है, तो मछली क्यों ना तर गई? ऐसी उल्टी सीधी बातें इस दिगंबर ने सुनाई कि तारकाक्ष, विमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों की मति भोर आ गई। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी बोले, हमें भी तुम दीक्षा दे दो। सो नारद जी ने भी झूठ मूठ को और उस पिच्छीधारी दिगंबर से दीक्षा ले ली और वैसा ही दिगंबर भेष बना लिया। अब तो नारद जी पर ये तीनों विश्वास करते थे। नारद जी ने दीक्षा ली तो इन तीनों ने भी दीक्षा ले ली और संध्या बंधन करना छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब तो जैसे ही संध्या बंधन करना छोड़ा सो ये निस्तेज हो गए, इनका तेज नष्ट हो गया। अब तो सभी देवता शंकर भगवान के सन्मुख आए। बोले, प्रभु ब्रह्मा जी ने तारकाक्ष, विमलाक्ष और विद्युन्माली को तीन पुर दिए हैं, ये तीनों पुर बड़े ही सुंदर हैं, हम देखना चाहते हैं, आप कृपा करो तो हम देखे आवें। शंकर जी ने मैं दानव को बुलाया, मैं दानव से कहा, हे मैं दानव, तुमने जिन त्रिपुरों का निर्माण किया है इन सभी देवताओं को ले जा कर के वो त्रिपुर दिखाओ। अब तो भैया तीनों भाइयों का त्रिपुर देखने के लिए इंद्र, वरुण, यम ये सब देवता पहुंच गए और जा करके त्रिपुर देखने लगे। सोई विद्युन्माली, तारकाक्ष और विमलाक्ष तीनों भाइयों ने मिलकर के सभी देवताओं को बंदी बना लिया और कहा, तुम भले आए अपने आप ही और तुम अपने काल के मुँह में आ गए, अब तुम्हें कठिन कारावास में डाल दिया जाएगा। सो भाई कठिन कारावास में सभी देवताओं को डाल दिया। इंद्र की पत्नी सची रोती हुई, करुण क्रंदन करती हुई और बिलकती हुई भगवान शिव की शरण में आई। बोले, भगवान अच्छा करो, त्राहि माम त्राहि माम। शिव जी बोले, हे देवी क्या बात है? बोले, देव भगवान त्रिपुर का दर्शन करने को मेरे पति सभी देवताओं के साथ में थी, त्रिपुर के यहाँ स्वर्णपुर में गए थे, अभी तक लौट के नहीं आए, कृपा करके बताइए वे कहाँ रह गए। शंकर जी ने देखा कि उन देवताओं को तीनों भाइयों ने कह दी
बना लिया है, उन तीनों को जो है कारावास में डाल दिया है। अब तो शंकर जी क्रुद्ध हुए और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी शीघ्र ही कैलाश पर प्रकट हो। ब्रह्मा जी कैलाश पर प्रकट हो गए, बोले प्रणाम प्रभु आज्ञा कीजिए। शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी विश्वकर्मा को बुला करके सर्वदेवमय रथ का निर्माण कीजिए, अब मैं त्रिपुर का संहार करूंगा। ऐसा कहकर के भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ये आज्ञा दे दी और स्वयं पिनाक धनुष धारण कर लिया। पिनाक धनुषधारी भगवान भोलेनाथ की हर हर। अब तो भैया सूर्य और चंद्रमा पहिया बन गए रथ के। यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद अथर्ववेद ये चारों चार घोड़ा बन गए और भूदेवी रथ बन गई, आकाश छत्र बन गया और सूर्य चंद्रमा पहिया बन गए दो। इस प्रकार से सर्वदेवमय रथ और जो है कि तैयार हो गया। और ब्रह्मा जी से विश्वकर्मा बोले कि हे ब्रह्मा जी, मैंने आपकी आज्ञा से सर्वदेवमय रथ तैयार कर दिया है। प्रणाम करके चले गए और ब्रह्मा जी ने आवाहन किया, हे महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, शीघ्र पधारिए, सर्वदेवमय रथ तैयार हो गया है। और जैसे ही कहा सोई भगवान शंकर रथ पर आरूढ़ हो गए। बोलो त्रिलोचन भगवान की जय। अब तो शंकर भगवान बोले, प्रस्थान हो, और ब्रह्मा जी प्रस्थान करने लगे। ब्रह्मांड में पहुंचने पर शंकर भगवान ने बाण चला करके त्रिपुर के तीनों लोकों को कपा दिया। जब तीनों लोक कांपने लगे तो स्वर्णपुर से तारकाक्ष और चांदी के पुर से रजतपुर से जो है विमलाक्ष और लोहपुर से विद्युन्मानी तीनों राजा निकल आए। बोले, अरे ये तो सदाशिव जी हैं और सर्वदेवमय रथ पर बैठे हैं, लगता है हमारा काल आ गया। अब तो तीनों युद्ध के लिए तत्पर हो गए। शंकर भगवान ने एक ही बाण से तीन बाण प्रकट किए और तीनों के जाकर छाती में लगे। महारुद्र महारुद्र महारुद्र, ऐसा कह करके तीनों के प्राण फकेरू उड़ गए। एक ही बाण में भगवान ने तीनों त्रिपुरों को जला दिया और भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। तीनों पुरों को जलाने के कारण भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ा। बोलो त्रिपुरारी भगवान की हर हर। जय जय श्री राधे। अब तो भगवान शंकर भगवान विष्णु गरुण पर बैठ करके आए, सुंदर फूलों की माला भगवान शंकर के गले में डाल दी और कहा, हे विजेता स्वरूप भगवान शिव, आप अजय हैं, आपकी जय जयकार हो। और इस प्रकार से सभी देवताओं ने त्रिपुरासुर का भंजन करने वाले भगवान सदाशिव का पूजन किया और शंकर भगवान ने पिनाक धनुष भगवान परशुराम को प्रदान किया। किसको प्रदान किया? हाँ, और परशुराम ने भगवान के ससुर क्षीरध्वज राजा, कौन से राजा, जोर से बोलिए, बोलो बोलो, राजा क्षीरध्वज, क्या नाम है, क्षीरध्वज राजा को प्रदान किया। क्या प्रदान किया? पिनाक धनुष। क्षीरध्वज राजा है निमी क्षेत्र के राजा, राजा जनक, जनक जी का असली नाम है क्षीरध्वज और इनके छोटे भैया हैं कुशध्वज। शिव जी के धनुष को लेकर के भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर आए, वहीं क्षीरध्वज राजा भगवान परशुराम का दर्शन करने पहुँचे तो उसी समय भगवान परशुराम बड़े प्रसन्न हुए। बोले, राजन, ये भगवान शंकर का पिनाक धनुष है जो कि जिससे त्रिपुरासुर का वध भगवान ने किया है, इसकी तुम स्वयं रक्षा करना, अपने महलों में ले जाओ। बोले, महाराज मैं तो इसे हिला भी नहीं सकता, ले जाने की तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान परशुराम स्वयं आए और आकर के वह धनुष स्थित कर दिया। एक दिन की बात, 6 वर्ष की हैं भगवती किशोरी जी, 6 वर्ष की हैं। जानकी जी का जब राम जी से विवाह हुआ उस समय जानकी जी 6 वर्ष की हैं और श्री रघुनाथ जी 12 वर्ष के हैं। बोलो श्री राघवेंद्र भगवान की जय।
जानकी मैया की जय। 6 वर्ष की किशोरी जी और गेंद से खेल रही थी और गेंद से खेलते खेलते देवी जी वहीं पहुंची जहां शिव जी के मंदिर में शिव धनुष रखा हुआ था। जानकी मैया गेंद से खेलती हुई अपनी सखियों के साथ में गई और वहीं मल योद्धा उस धनुष को उठा करके सफाई करने का प्रयत्न कर रहे थे, उसी समय गेंद फेंक करके सखियों को जानकी जी ने दी और गेंद छूट करके उस धनुष के पास चली गई। गेंद लेने के लिए जानकी जी जब शिवालय में गई और अंदर जब पहुंची तो जानकी जी ने क्या देखा कि कुछ मल योद्धा जो कि पहलवान थे, बड़े बड़े मल योद्धा, और उस धनुष को उठा रहे थे पर हिल भी नहीं रहा था। तो जानकी जी उस मल योद्धाओं को देख करके जो कि धनुष को नहीं उठा पा रहे थे, जानकी जी देख करके हंसने लगी। और जब जानकी जी हंसने लगी तो सबने पूछा, लाली तुम क्यों हंस रही हो? तो जानकी जी बोली, अरे भाई पहलवानों, इस धनुष को तो मैं एक हाथ से ही उठा दूंगी जो तुम पे हिलाने से भी नहीं हिल रहा। अब तो जानकी जी ने एक हाथ में गेंद ले ली और बाएं हाथ से धनुष को यूं आकाश में उठा दिया। बोलो जानकी मैया की। हाँ, जनक राज जी उस समय भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। किनकी पूजा कर रहे थे? शिव जी की। सो जनक जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोले, उरे मेरी छोटी सी सुकुमारी, मेरी आत्मजा, मेरी नंदनी, इस पुत्री ने और पिनाक धनुष को उठा लिया। उसी समय शिव जी के सामने संकल्प किया कि जो इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। ये वो ही धनुष था शंकर भगवान का, जिस धनुष से भगवान ने त्रिपुराई का वध किया था। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, और इधर शंकर भगवान लौट करके आए हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद एक समय की बात है, देवराज इंद्र इंद्रासन पर बैठे थे, उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और बृहस्पति के आने पर देवराज इंद्र ने उनको नमस्कार नहीं किया तो बृहस्पति रुष्ट हो गए, दुष्ट होकर चले गए, कैलाश पे पहुंचे। पीछे पीछे इंद्र गुरु को रुष्ट जान करके कहते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और गुरु ही रुष्ट हो जाएंगे तो चेला की दुर्गति हो जाएगी। सची ने कहा, हे पति देव, हे इंद्र देवता, हे स्वामी, आपने बड़ा अपराध किया है, आपने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए जहां गुरु जी गए हैं पीछे पीछे जाओ। अब तो अभिमान में भरा हुआ इंद्र पीछे पीछे चल दिया, आगे आगे बृहस्पति, पीछे पीछे इंद्र। कहाँ जा रहे हैं बृहस्पति? देव गुरु बृहस्पति शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश पर जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव। अब तो इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए, अहंकार जो होता है वो भगवान का भोजन है। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं पर जब कोई भक्त भगवान के सामने अहंकार करता है तो भगवान को सहन नहीं होता। दो चीज भगवान पे सहन नहीं होती, एक भक्त का अपमान और दूसरा दुष्ट का अहंकार। बृहस्पति भगवान शिव के भक्त हैं तो इंद्र ने बृहस्पति को नमस्कार नहीं किया तो इससे भक्त का अपमान हो गया। इंद्र द्वारा भगवान शिव के भक्त बृहस्पति का अपमान हो गया और इंद्र ने अहंकार से अपमान किया तो दोनों बात भगवान शंकर को सहन नहीं हुई। अपने भक्त का अपमान और दुष्टों का अहंकार अभिमान। अब तो शंकर भगवान ने कहा, हे देवी पार्वती, मैं कुछ क्षण के लिए इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यही प्रतीक्षा करना। ऐसा कह के शंकर भगवान भगवती पार्वती से कहकर अंतर ध्यान हो गए और अवधूत रूप धारण करके, कौन सा रूप धारण करके? अवधूत। और शंकर भगवान इंद्र और देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के मार्ग में जाकर के लेट गए। बोलो शंकर भगवान की। महादेव महादेव महादेव। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उसी समय जिस समय देव गुरु बृहस्पति
बृहस्पति और इंद्र कैलाश की ओर आ रहे थे। आगे आगे बृहस्पति और पीछे पीछे उनका चेला इंद्र जब आ रहे थे तो इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए और भगवान शंकर अवधूत का रूप धारण करके रास्ते में लेट गए। बोलो अवधूत अवतार भगवान की, हर हर। बृहस्पति ने देखा रास्ते में कोई लेटा हुआ है तो पहचान गए कि ये कोई और नहीं शंकर भगवान है। इधर इंद्र जैसे ही आया बोला, ए अवधूत, ए बौरे, उठ यहां से, हमें रास्ते में निकलने दे। शंकर भगवान बोले, अच्छा अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूं। शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया, ज्वालामुखी निकली। देवराज बचो, देवगुरु बृहस्पति बोले, देवराज बचो, ये शंकर भगवान है, कोई अवधूत नहीं है। अब तो देवराज कांप उठा, शंकर जी के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु मेरा अहंकार दूर हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। अब तो शंकर भगवान बोले, मेरे नेत्र से जो ज्वाला निकली है ये ज्वाला तो शांत होने वाली नहीं है। सो भैया ज्वालामुखी को शंकर जी ने समुद्र में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? हाँ, और वही ब्रह्मा जी दौड़ के गए, उस ज्वालामुखी को हाथ में ले लिया, सोई वही जलंधर का जन्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, भगवान शंकर का ये पुत्र है जलंधर, जल से उत्पन्न हो गया, भारी राक्षस है ये जलंधर, इस असुर का जन्म हुआ। जल से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी ने इसका नाम जलंधर रख दिया। अब तो शंकर भगवान से क्षमा मांगी इंद्र ने, इंद्र क्षमा मांग के चला गया तो शंकर जी ने कहा कि देखो इंद्र, गुरु की कृपा से ही सब ज्ञान और ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है। गू माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार में भी प्रकाश की रोशनी प्रदान करे, प्रकाश की राह प्रदान करे, ऐसे गुरु होते हैं और उन गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। शंकर जी कह रहे हैं कि जो भजते मुझे भाव से, ये नहीं बजाएंगे ढोलक मजीरा, नहीं बजाएंगे हम, ये देखेंगे। देखो भगवान ने बजाने के लिए बाजा क्या दिया है, सबसे बड़ा बाजा है हमारी ताली, और गाने के लिए क्या दिया है, माइक की जरूरत नहीं है, बिना माइक के भी हम गा सकते हैं। तो सब लोग गाएंगे, शिवजी बोले जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही बन जाता, जो भजते, इन्हें गान दो, आवाज नहीं आ रही हम तक, सभी गाइए, भक्तिमती माताओं ज्ञानवार बंधुवर सभी गाइए, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही बन जाता, जो भजते, नेक जोर की गाओ, उनका ही बन जाता मैं तो, उनका ही बन जाता, उनका ही मैं तो, उनका ही बन जाता जो भजते मुझे, मुझे नहीं परवाह अन्न की, नहीं वस्त्र धन चाहता, मुझे नहीं परवाह अन्न की, नहीं वस्त्र धन, और करता हूं स्वीकार उसी को, बिल्व पत्र चढ़ाता जो भजते मुझे भाव से, सभी गाइए, जो भजते मुझे, शिवजी बोले हे इंद्र, मुझे अन्न धन वस्त्र की आवश्यकता नहीं, मैं तो प्रेम के चढ़ाए हुए बेल पत्र को सहज ही स्वीकार कर लेता हूं। कैसा भी हो दोषी मेरा मैं नहीं नजर उठाता, कैसा भी हो दोषी मेरा मैं नहीं, पर जो करता अपमान भक्त का, जो करता मुझसे सहन जाता जो भजते मुझे,
करते मुझे। भगवान बोले मेरा चाहे कितना भी अपमान कर ले, अपराध कर ले, मैं रुष्ट नहीं होता, लेकिन जब मेरे भक्त का कोई अपमान करता है तो वो मुझे असहनीय हो जाता है। हे इंद्र, तेरे गुरु बृहस्पति मेरे भक्त हैं और तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए मैंने तुझे ये दंड दिया। और शंकर भगवान कहते हैं, कैसा भी हो दोषी मेरा, मैं नहीं कभी सहता, पर जो करता अपराध भक्त का जो करता मुझसे सहन जाता, जो भजते जो भजते मुझे भाव से, और बिना भाव के खूब पुकारे मैं नहीं नजर उठाता, बिना भाव के भाव भर ही सुन तेर भगत की, भाव भर ही सुन मुझसे रहा न जो भजते मुझे भाव से जो। शिव जी कह रहे हैं, इंद्र शुद्ध हृदय और अनन्य मन से जो नर मुझको ध्याता, शुद्ध हृदय और अनन्य मन से जो नर मुझको ध्याता, उसके सारे योग क्षेम को, उसके सारे योग क्षेम को मैं ही स्वयं जो भजते मुझे भाव से मैं, जो भजते मुझे भाव से। महादेव 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 महादेव। अब तो भैया इंद्र का अहंकार दूर हुआ और दौड़ा दौड़ा इंद्र शिव अपने गुरुजी के चरणों में गिर गया। क्षमा मांगी, गुरुदेव मैंने आपका अपराध किया, शिव जी ने मुझे दंड दे दिया, आज कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ और शिव जी के सामने संकल्प करता हूँ, आज के बाद कभी गुरु का अपमान नहीं करूँगा। इंद्र से संतुष्ट हुए भगवान बृहस्पति, वरदान दिया और दोनों शिव जी को नमस्कार करके स्वर्ग को लौट आए। इधर जलंधर नाम के असुर का विवाह जो है कालनेमी की बेटी वृंदा के साथ में हुआ। कालनेमी की बेटी वृंदा है और उसको उसका विवाह वृंदा के साथ हो गया और शिव का पुत्र होकर ही शिव से द्रोह किया। पतिव्रता वृंदा ने नारद जी के द्वारा पता चला कि मेरा जन्म शिव के तेज से हुआ है, लेकिन शिव ने समुद्र में फेंक दिया, इस कारण से ये द्वेष करने लगा शिव जी से ही। और पता चला इसको कि शंकर भगवान कैलाश पर रहते हैं और उनके साथ में सुंदर पार्वती जी हैं, तो नारद जी ने सारी बात बता दी। नारद जी के द्वारा सारी बात को सुन करके इसने एक दूत को भेजा कि जाओ दूत, तुम जा करके शंकर जी से कहो कि पार्वती जी को जलंधर को दे दें। अब तो भैया दूत आया और दूत ने शंकर जी को प्रणाम करके कहा कि शंकर जी आप बड़े बूढ़े, आपको ये द्वादश वर्ष की पार्वती की क्या आवश्यकता, ये सुकुमारी हमें दे दो, हमारा राजा जलंधर इसको स्वीकार करना चाहता है। अब तो शंकर जी बड़े क्रुद्ध हुए, शंकर जी के मस्तक से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और उस पुरुष ने शंकर जी से कहा भूख लगी है, भूख लगी है। शंकर जी बोले इस गढ़ को खा जाओ, सो शंकर जी की आज्ञा से उस गढ़ को वह उस सेवक को दूत को वह गढ़ खा गया। अब तो शंकर जी से बोला हे प्रभु मुझे और भूख लगी है, सो शंकर भगवान बोले अपने हाथ पैरों को खा जा, काय को खा जा।
अब तो भैया इस शंकर जी के गढ़ ने अपने हाथ पैर ही खा लिए, खाली मुख ही मुख रह गया। शंकर जी ने वरदान दिया, जा आज से तू कीर्ति मुख के नाम से जाना जाएगा, वास्तु का तू देवता कहलाएगा, और जो मनुष्य मेरे मंदिर में निर्माण करेंगे वहाँ दरवाजे पर तेरी दहली के ऊपर स्थापना करेंगे। इस प्रकार से शंकर जी ने वरदान दिया और जलंधर को पता चला कि शंकर जी ने अपने दूत के द्वारा, अपने गढ़ के द्वारा मेरे दूत का नाश करवा दिया है, तो बड़ा क्रोध हुआ और युद्ध करने को पहुंच गया। और इधर युद्ध होने लगा, तब तक ये मायावी जलंधर एक रूप से शंकर जी का रूप बना करके पार्वती जी के पास पहुंच गया। कहां पहुंच गया माताओं? युद्ध चल रहा है और उधर जलंधर पार्वती जी के सन्मुख पहुंच गया। महादेव महादेव महादेव, अब तो भैया ये जलंधर पार्वती जी के सन्मुख शंकर जी का रूप धारण करके और शिवालय में पहुंच गया। भगवती ने देखा है शंकर जी तो युद्ध कर रहे थे, ये एकदम कहां से आ गए? बोले स्वामी आप तो युद्ध कर रहे थे, आप एकदम यहां कहां से आ गए? बोले देवी वो तो हमने क्षमा कर दिया, युद्ध शांत हो गया, युद्ध को शांत करके हम आए। अब तो पार्वती जी को देख करके ये दुष्ट कांपने लगा, क्योंकि परम सुंदरी है पार्वती, स्वरूपा अम्मा है, त्रिभुवन सुंदरी है भगवती पार्वती। अब तो जलंधर कांपने लगा भगवती को देख करके। पार्वती जी ने अपनी दृष्टि से देखा तो इसके हाथ पैर पहचान गई, बोले अरे तो महादेव जी नहीं, ये तो जलंधर है। तुरंत ही जया और विजया के साथ अंतर ध्यान हो गई। अब तो जलंधर दुखी होके लौट आया, भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु से कहा, भगवान हर हर महादेव, भगवान विष्णु से कहा, भगवान ये जलंधर दुष्ट ये इतना बलशाली क्यों है? भगवान विष्णु बोले, देवी पार्वती ये जलंधर जो है ना, इसकी जो पत्नी है वो बड़ी पतिव्रता है। पार्वती जी बोली, जिस प्रकार से ये जलंधर शंकर जी का रूप बनाकर मेरे पास आया था, उसी प्रकार हे नारायण आप जलंधर का रूप बना करके इसकी पत्नी के पास चले जाइए, और जैसे ही इसकी पत्नी आपको अपना पति मान करके आपका अर्चन करेगी तो ही उसका सातित्व, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और जैसे ही पातिव्रत धर्म नष्ट होगा ये असुर जलंधर का बल नष्ट हो जाएगा, और जब जलंधर का बल नष्ट होगा तो तुरंत ही भगवान शंकर इसका संहार कर देंगे। अब तो पार्वती जी बोली, पार्वती जी के कहने पर भगवान विष्णु कहने लगे, बहन पार्वती पापी के पाप में ही उसका अंत छुपा हुआ है, जैसे ये दुष्ट तुम्हारे पास शिवजी का रूप बना के आया, उसी प्रकार से मैं भी जलंधर का रूप बना करके इसकी पत्नी का शील भंग कर दूंगा। ऐसा कह करके और भगवान जनार्दन अंतर ध्यान हो गए। ध्यान दीजिएगा सभी माताओं, पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत धर्म कब नष्ट होता है? जब वो धोखे से भी पति की भावना करके और पर पुरुष का चिंतन कर लेती है। स्पर्श करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से ही पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। इतना पवित्र होता है पातिव्रत धर्म, इतना बारीक है कि कोई पतिव्रता स्त्री मन में ये सोच ले कि अरे मेरा पति तो कम सुंदर है, फलाना पुरुष मेरा पति होता, बस इतना सोचने मात्र से ही पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। इधर भगवान लीलाधारी कौतुकी भगवान श्री हरि ने लीला प्रकट कर दी, बोलो शंकर भगवान की गौरी शंकर सीता जानकी बल्लभ राधे श्याम।
साधु का भेष बना के दो बंदरों को साथ लेकर के और जलंधरपुर में पहुंच गए, जहां वृंदा भगवान नारायण की ही पूजा कर रही थी। साधु के भेष में भगवान पहुंचे और मोटे मोटे दो बंदर साथ में थे। उसी समय भगवान नारायण ने दो राक्षसों को प्रकट कर दिया और वे राक्षस वृंदा को पकड़ने लगे। जैसे ही वृंदा को पकड़ने को राक्षस आए, सोई महात्मा रूपी भगवान ने बंदरों से कहा, हे बंदरों, जाओ जा करके इन राक्षसों को नष्ट कर दो। वे दोनों बंदर गए और जो राक्षस वृंदा को पकड़ना चाहते थे, उन राक्षसों को भगवान ने बंदरों द्वारा नष्ट करवा दिया। वृंदा ने देखा कि महात्मा जी के बंदरों में बड़ी ताकत है, इन बंदरों ने तो राक्षसों का नाश कर दिया। और बंदर फंदर कुछ नहीं थे, वो सब भगवान विष्णु की माया थी। अब तो भैया वृंदा को बड़ा विश्वास हो गया महात्मा जी पे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, बोलिए शंकर भगवान की जय। अभी हमारे व्यास जी का जो स्वागत किया है, हमारे जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर प्रवीण यादव जी ने हमारे व्यास जी का स्वागत किया, परीक्षित और यज्ञपति जी का भी स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए सभी लोग तालियां बजाएं। बोलो शंकर भगवान की। श्री यादवेंद्र भगवान की। अब तो भैया महात्मा जी बोले, देवी ये मेरे बंदर बड़े बलशाली हैं। वृंदा को बड़ा विश्वास हो गया, भैया महात्मा जी बड़े अच्छे हैं,
राक्षस मुझे पकड़ना चाहते थे और बंदरों ने राक्षसों को खा खा करके नष्ट कर दिया काट काट के। तो ये महात्मा जी बड़े बलशाली त्रिकालज्ञ लगते हैं, सो हाथ जोड़ करके वृंदा भगवान विष्णु से कहने लगी, हे महात्मा जी आप कृपा करके बताइए, मेरे पति जलंधर का युद्ध भगवान शंकर से चल रहा है, उनकी क्या स्थिति है इस समय आप बताइए। सो बिहारी जी हंस करके बोले, किसके स्वरूप में है भगवान? साधु के रूप में है। बोले वैसे तो मैंने ये काम करना छोड़ दिया है ज्योतिषी का, लेकिन अभी तुझे ध्यान करके बताता हूं। और भगवान ने आंख बंद की और दो बंदर थे ना भगवान के साथ में, उन बंदरों से कहा कि जल्दी जाओ कैलाश पे देख करके आओ शंकर भगवान का युद्ध कैसा चल रहा है। ए बंदर जैसी आए सो जलंधर के हाथ पैर और मूड़ कटा हुआ गिरा वृंदा के सामने। अब तो कटे हुए हाथ पैर और सिर जब देखे वृंदा ने तो वृंदा कांप गई और संत रूपी भगवान के चरणों में वृंदा गिर गई। वृंदा बोली, भगवान आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। अब तो भगवान विष्णु ने मरे हुए जलंधर को जीवित कर दिया। बहुत ध्यान दीजिएगा, वो जलंधर फलंधर नहीं था, जलंधर तो कैलाश पर शंकर जी से लड़ रहा था। ये सब भगवान की ही माया थी, जो कटा हुआ जलंधर था वो जलंधर नहीं था, स्वयं भगवान विष्णु ही थे। अब तो कटे हुए जलंधर को भगवान विष्णु ने संत रूप से हाथ में गंगा जल लेके छिड़का और वो जलंधर के सारे अंग जुड़ गए और वह पुनः जीवित हो गया। असली जलंधर तो शिवजी से युद्ध कर रहा था और स्वयं भगवान विष्णु ये लीला खेल करके और जलंधर का रूप बना करके आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सब श्रवण कीजिएगा, जलंधर को जीवित करके संत रूपी विष्णु तो अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर रूपी विष्णु वृंदा के साथ में उसके महल में चले गए। वृंदा ने अपना पति समझ करके और जैसे ही तिलक किया और जैसे ही भगवान का तिलक किया, देखो मैंने पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ, पराई स्त्री यदि पर पुरुष को, कोई स्त्री पतिव्रता पर पुरुष को पति मान के यदि तिलक भी कर देगी तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इतना पवित्र होता है पातिव्रत धर्म। आज जैसे ही भगवान नारायण को तिलक करने को हुई, जैसे तिलक किया पति मान करके, अब भगवान के शरीर से सुगंध आ रही थी तुलसी की, दिव्य सुगंध आ रही थी भगवान के शरीर से और जलंधर से बदबू आती थी। बोली आज स्वामी में से बड़ी सुगंध आ रही है। सुगंध क्यों आ रही थी? क्योंकि जलंधर थोड़ी है, जलंधर के रूप में भगवान जगत जगत के आधार जगन्नाथ भगवान है। अब ये बोली, पहले तो मेरे स्वामी के शरीर से दुर्गंध आती थी, आज बड़ी सुगंध आ रही है। जैसे ही भगवान को तिलक किया सो ये निस्तेज हो गई, क्योंकि इसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। अब तो उसने अपनी दृष्टि से देखा, जब दिव्य दृष्टि से देखा सोई भगवान के चार हाथ दिख गए। बोली विष्णु आपने छल किया है, हे पाषाण हृदय भगवान आप पाषाण के हो जाओ। सोई भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। बोलो शालिग्राम भगवान की। और पतिव्रता वृंदा ने अपने शरीर को जला के भस्म कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब तो भगवती लक्ष्मी, भगवती पार्वती एवं भगवती सावित्री तीनों देवियां आ गईं। भगवान शालिग्राम पत्थर के बन गए और उसी राख में लौटने लगे, जिस राख में जो वृंदा नाम की जलंधर की पत्नी की जो राख थी उसी राख में भगवान लौटने लगे। अब तो तीनों देवियों ने तीन बीज बोए उस राख में। लक्ष्मी जी ने जो बीज बोया उससे मालती नाम का वृक्ष उत्पन्न हुआ और श्री पार्वती जी ने जो बीज बोया उससे तुलसी महारानी प्रकट हुई और सावित्री ने जो बीज बोया उससे धात्री माँ ने आमले का पेड़ उत्पन्न हुआ। बोलो महालक्ष्मी महासरस्वती पार्वती मैया की। हाँ, तीन पेड़ उत्पन्न हो गए।
मालती जी ने लक्ष्मी जी से द्वेष किया और धात्री माँ ने आमला और तुलसी ये दोनों ही भगवान को बड़ी प्रिय हुई। नारायण भगवान ने तुलसी को स्वीकार किया। नारद जी कहते हैं भगवान ये कथा तो हमने सुनी, पर हमने सुना है तुलसी जी शंखचूर की पत्नी थी, वे कथा भी हमको बताइए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं नारद शंखचूर नाम का दैत्य था जो कि श्री दामा नाम का भगवान का गोप था। एक समय की बात है गोलोक में भगवान कृष्ण मेरे आराध्य शिव का ध्यान कर रहे थे। उसी समय राधा रानी पधारी, द्वारपाल बना हुआ श्री दामा ने राधा जी को अंदर जाने से रोक दिया। राधा जी ने कहा अरे मूर्ख मुझे जाने को रोकता है, जा तू असुर हो जा। और वही असुर हुआ राधा जी के श्राप के कारण और शंखचूर कहलाया। वृंदा तुलसी महारानी भगवान को पति रूप में पाने को तप कर रही थी गणेश जी का दर्शन कर करके, और वृंदा देवी ने देखा कि गणेश जी जा रहे हैं बड़े सुंदर हैं। गणेश जी से कहा आप ही मुझसे ब्याह कर लो, तो बोले अच्छा भगवान को पति बनाना चाहती हो मुरली मनोहर श्री कृष्ण को और मुझसे कह रही हो मुझसे ब्याह कर लो, एक बार में दो दो पति रखना चाहती हो, जाओ श्राप देता हूँ राक्षस की पत्नी हो जाओ। सो शंखचूर तो श्री दामा था और तुलसी जी धरती पर आई। तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दिया कि तुम मुझसे ब्याह नहीं करोगे तो तुम्हें दो दो ब्याह करने पड़ेंगे। सो गणेश जी का ब्याह रिद्धि से और सिद्धि से दो विवाह गणेश जी के हुए। बोलो गणेश जी महाराज की। हाँ इस प्रकार से भगवान की अनन्य लीलाएं हैं। इन लीलाओं को भगवान के भक्त जन गा करके आनंद लेते हैं। लैलम लैतीत लीला, जिसमें मन लीन हो जाए उसको लीला कहते हैं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं नारद जी इस प्रकार से तुलसी जी से जलंधर उसका शंखचूर का विवाह हुआ। शंखचूर के पास भगवान का दिया हुआ दिव्य कवच था, भगवान शंकर उसको मार नहीं सकते थे। भगवान विष्णु ने साधु का रूप बना करके कवच को मांग लिया और शंकर जी ने तुरंत ही कवच विहीन शंखचूर का वध कर दिया और कहा कि शंख रूपी ये जो शंखचूर है इसका जन्म शंख से हुआ है, इसीलिए मेरी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होगा। शंख का वादन तो होगा, शंख बजाया तो जाएगा, पर कभी भी मेरे ऊपर शंख से अभिषेक नहीं होगा। इसीलिए शंकर जी का अभिषेक कैसे करना चाहिए, सरंगी से, नील गाय के सींग से सरंगी बनती है, उससे भगवान शंकर की अभिषेक आदि किया जाता है। कभी भी शंकर भगवान का अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ने वरदान दिया। तुलसी नाम की जो सखी थी बोली मेरा पति मर गया तो मैं क्या करूंगी, तो वे जो है पति के वियोग में गल गई और जब गल गई तो उसका नाम हो गया गंडकी नदी और उसके केशों से तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। गंडकी नदी में भगवान मुक्ति नारायण प्रकट हो गए, वे ही मुक्ति नारायण भगवान शालिग्राम कहलाए। शालिग्राम की जो शिला होती है जहाँ स्थापित होती है वहां से तीन कोश का एरिया, तीन कोश का क्षेत्र परम पवित्र हो जाता है, तीर्थ स्वरूप हो जाता है वो शालिग्राम भगवान की। हाँ शंख जो है भगवान नारायण को बड़ा प्रिय है। शंख की पत्नी तुलसी थी, इसलिए तुलसी जी शंख और नारायण भगवान शालिग्राम भगवान इनको एक साथ ही रखना चाहिए। लक्ष्मी जी बोली मैं भी समुद्र से निकली और ये शंख भी समुद्र से निकला, इसलिए ये मेरा भैया होगा। इसीलिए स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी को शंख नहीं बजाना, शंख स्त्रियों का भैया है, इसीलिए अपने भाई को नहीं बजाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हर महादेव। इस प्रकार से शंखचूर और जलंधर का वध करके भगवान त्रिपुरारी ने तीनों लोगों को अभय दान प्रदान किया। भगवान का तो संकल्प ही है जब जब जीव पर कष्ट पड़ेगा तब तब मैं उनके कष्टों को दूर करूंगा, और भगवान शंकर की कृपा इसी प्रकार सभी जीवों पर सभी ब्रह्मांडों पर बरसती है और बरसती रहेगी। हे नारद अब क्या सुनना चाहते हो।
नारद जी बोले, हमने सुना है भगवती जगदम्बा ने भी महालक्ष्मी स्वरूप धारण करके और महिषासुर का अंत किया था। बोले हाँ सत्य सुना है। अब उमा संगीता की यही युद्ध संगीता का खंड खत्म होता है और उमा संगीता की कथा प्रारंभ होती है। बोलो जगदम्बे मैया की जय जय श्री। रंभ करंभ का पुत्र हुआ महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी का तप किया और तपस्या करके वरदान मांगा कि मैं अजन्मा स्त्री के द्वारा मारा जाऊं, कोई भी देवता दाना मुझे ना मार सके, एक अबला नारी ही मुझे मारे। इसने विचार किया स्त्री में क्या दम होती है, फूंक मारूंगा उड़ जाएगी। अब तो भैया ब्रह्मा जी बोले एव मस्तु। एक बात और कही ब्रह्मा जी से इस महिषासुर ने। महिषासुर बोला हे ब्रह्मदेव, अजन्मी नारी हो। कैसी नारी हो? हाँ, जिसने माँ से जन्म नहीं लिया हो। कल की परसों की कथा में हमने बताया था पार्वती जी माँ की गर्भ से पैदा नहीं हुई, अयो निजा है। पार्वती जी कैसी हैं? अयो निजा। अयो निजा माने जिसने योनि से जन्म ना लिया हो। तो भगवती अयो निजा ही मार सकती हैं महिषासुर को। अब तो भैया सभी देवताओं में हाहाकार मच गया, तीनों लोगों को इस महिषासुर ने जीत लिया। यम कुबेर वरुण इत्यादि सभी देवताओं का बार स्वयं गहन करने लगा और जो है कि स्वयं ही उपभोग करने लगा और सबका भार स्वयं उपभोग करते हुए बहन करते हुए ये महिषासुर स्वर्ग का इंद्र बन बैठा। इंद्र देवराज मनुष्यों की भांति कंदराओं में छुप गए। सभी देवता व्याकुल होकर के भगवान शिवजी के पास आए। शिवजी के पास सभी देवता आए। उसी समय शिवजी ने सभी देवताओं का, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का अभिवादन किया और भगवान कहते हैं इस समस्या का समाधान तो जगदम्बा ही कर सकती हैं। उसी समय भगवती पार्वती भगवान शिव में प्रवेश कर गई और भगवान अर्धनारेश्वर बन गए। बोलो अर्धनारेश्वर भगवान की। हाँ, उसी समय भगवान का मुंह टेढ़ा हो गया। उसी समय भगवान सदाशिव के मुंह से एक तेज निकला, वह तेज साक्षात जगदम्बा गौरी थी। इसी प्रकार सभी देवताओं के अंग से एक एक तेज निकला और वह सब तेज भगवती पार्वती में समा गया। 18 भुजाओं से युक्त भगवती जगदम्बा सिंहवाहिनी देवी महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की जय। लक्ष्मी अलग है और महालक्ष्मी अलग है। महालक्ष्मी माता प्रकट हो गई और अट्टहास करती हुई तीनों लोगों को अपने अट्टहास से गुंजायमान कर दिया। चरण कमल से भूदेवी को दबा लिया। अब तो त्रिलोकी कांपने लगी। भगवती के अट्टहास से दसों दिशाएं कंपित हो गईं। महिषासुर ने जब ये शब्द सुना तो महिषासुर देखने को आया ये कौन गरज रही है आकाश में। जैसे ही महिषासुर आया, महिषासुर ने भगवती के रूप लावण्य को देख करके कहा, सुंदरी तुम तो मेरी रानी बनने योग्य हो। भगवती बोली, अरे मूर्ख, तूने मुझ पराशक्ति जो कि शिव की शक्ति है उस पर कुदृष्टि डाली है, इसीलिए तेरा पुण्य नष्ट हो गया है। अब तू मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं जब तक मधु का पान करती हूँ तब तक तू क्षणभर के लिए गरज ले। जैसे ही मैं मधु पीकर पान करके और मधुमस्त हो जाऊंगी, उसी समय तीनों लोकों में देवता खड़े होकर के गर्जना करेंगे और मैं तेरा संहार करूंगी। इस प्रकार भगवती शहद पीने लगी और मधु का पान पीते हुए भगवती की जीभ लपलपा रही थी और इस दुष्ट ने भगवती से युद्ध प्रारंभ कर दिया। कभी भैंसा बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी वहां बलशाली हाथी बन जाता। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा के साथ युद्ध होता रहा। भगवती ने बड़ी तलवार लेकर के और इसके वक्ष स्थल पर प्रहार किया। ये महिष के रूप में था, भैंसे के रूप में इसका शीश काट दिया। शीश कटने पर इसके अर्ध कटे शरीर से एक पुरुष पैदा होने लगा। उसी समय जब वह उत्पन्न हो रहा था, भगवती ने अपने त्रिशूल से उस वीर का छाता छिन्न भिन्न कर दिया। अब तो जैसे ही भगवती ने महिषासुर की छाती में त्रिशूल मारा, महेश्वर भगवान शिव के त्रिशूल को जैसे ही मारा, महिषासुर के प्राण फकेरू उड़ गए। बोलो जगदम्बे मैया की। हाँ, इस
इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, जगदम्बा पार्वती का पराक्रम शिवजी से कम नहीं है, क्योंकि जो शिवजी हैं वही पार्वती हैं और जो पार्वती हैं वही शिवजी हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो जब उस परमेश्वर से कहते हैं त्वमेव माता, तो जब वो परमात्मा को हम माता कहकर पुकारते हैं तो वो परमात्मा माँ के रूप में दर्शन देता है, माँ पार्वती के रूप में दर्शन देता है, और जब उस परमात्मा को पिता कह के पुकारते हैं तो एक ही पिता, एक ही परमात्मा पिता के रूप में शिवजी के रूप में दर्शन देता है। शिवजी हैं चित ब्रह्म और पार्वती हैं चिति ब्रह्म। चिति ब्रह्म माने स्त्री रूप में परमात्मा और चित ब्रह्म माने पुरुष रूप में परमात्मा। बहुत ध्यान दीजिए, चिति ब्रह्म माने स्त्री के रूप में भगवान। राधा रानी कौन है? चिति ब्रह्म। सीता जी कौन है? चिति ब्रह्म। पार्वती जी कौन है? चिति ब्रह्म। राम जी कौन है? चित ब्रह्म। श्री कृष्ण कौन है? चित ब्रह्म। शंकर जी कौन है? चित ब्रह्म। चित ब्रह्म माने प्रकाशमय पुरुष के रूप में परमात्मा और चिति ब्रह्म माने स्त्री रूप में माता रूप में परमात्मा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती जी चिति ब्रह्म है और भगवान शिव चिद ब्रह्म है। चिद ब्रह्म ही चिति ब्रह्म है और चिति ब्रह्म ही चिद ब्रह्म है, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवती पार्वती चांद्र शक्ति हैं और शिवजी सौर्य शक्ति हैं, इनमें और इनमें कोई भेद नहीं है। भगवती पार्वती के अन्य चरित्रों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो हे नारद कृपा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनिए। शुंभ निशुंभ नाम के बड़े भारी असुर हुए जो कि तीनों लोकों के विजेता हो गए। कुबेर आदि की अलकापुरी का सारा वैभव छीन लिया, स्वर्ग के आधिपत्य में बैठ गए। उसी समय सभी देवता पराजित होकर के शंकर जी की शरण में आए। शंकर जी बोले, अरे देवताओं, तुम सब अपनी माता जी की शरण में जाओ, माता जी तुम्हारा संकट दूर कर देंगी। अब तो सभी देवता घूमते फिरते भगवती जगदम्बा का स्तवन करने लगे। उसी समय गंगा जी में स्नान करने को गिरिराज नंदिनी भगवती हेमवती देवी आई। हेमवती देवी ने देखा सभी देवता भगवती की स्तुति कर रहे हैं। उसी समय भगवती देवी के अंग से एक कन्या उत्पन्न हुई, उस कन्या का नाम कौशिकी हुआ। बोलो कौशिकी मैया की। भगवती हेमवती बोली, हेमवती देवी कहने लगी, अरे पुत्री तुम कौन हो और ये देवता किसकी स्तुति कर रहे हैं? जब पार्वती हेमवती ने यह बात पूछी तो तुरंत ही कौशिकी देवी बोली, हे माँ, आपके अंग से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम कौशिकी है, क्योंकि मैं आपके कौशिक से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मुझे संसार में कौशिकी कहेंगे। मैं साक्षात महा सरस्वती हूँ और इन देवताओं के कल्याण के लिए मेरा अवतार हुआ है। ये सब देवता हे हेमवती माता पार्वती आपकी ही स्तुति कर रहे हैं। जैसी माँ ने सुना, कौशिकी के जन्म के बाद पार्वती जी का शरीर श्याम वर्ण का हो गया, इसीलिए वे हिमालय पे रहने वाली कालिका देवी कहाई। बोलो कालिका मैया की। अब तो शुंभ निशुंभ का दूत सुग्रीव वहां जाने कहां से आ गया और उसने देखा कि पर्वत पर कौशिकी नाम की देवी मुरली बजा रही हैं। क्या कर रही हैं? अब तो जाकर के कहा है, असुरराज जितने भी रत्न हैं वो तुम्हारे पास मौजूद हैं, तो स्त्रियों में जो रत्न है उस देवी को तुम क्यों नहीं ले लेते? तो कहा, ठीक है सुग्रीव, तुम दूत बन के जाओ और जाकर के उस देवी से कहो कि वो मेरी दासी बन जाए, मेरी रानी बन जाए और मेरी पट्ट महिषी बन करके सुख भोग करे। अब तो सुग्रीव नाम का दूत आया, देवी हिमालय पर बैठी बैठी मुरली बजा रही थी।
छोटी सी किशोरी जी हैं, सौंदर्य संपन्न हैं, अद्भुत स्वरूप है। भगवती का रूप देख करके सुग्रीव ने प्रणाम किया और कहा, भगवती मैं शुंभ और निशुंभ नाम के स्वर्गाधिपति का दूत हूँ और आपके साथ एक आपके पास एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। भगवती दुर्गा जो जगत को धारण करती है, मंद मंद मुस्काती हुई बोली, हे दूत तुम अपने स्वामी का क्या संदेश लेकर के आए हो, मुझसे स्पष्ट कहो। उसी समय सुमन सुम के दूत ने कहा, सुग्रीव कहने लगा, हे भगवती इस समय सुम्ब और निशुम्ब तीनों लोगों के स्वामी हैं, स्वर्ग पर उनका अधिकार है, उनका सभी रत्नों पर अधिकार है और हम तुम्हें स्त्रियों में रत्न समझते हैं, इसलिए हे देवी तुम हमारे साथ चलो और सुम्ब या निशुम्ब का वरण करके और तुम पट्ट महिषी बन करके स्वर्ग का सुख भोग भोगो। अब तो भगवती जगदम्बा मंद मंद मुस्काने लगी और बोली, अरे मूर्ख, जो मुझे संग्राम भूमि में जीत लेगा, जो मेरे बल को चूर चूर करेगा, अहंकार को चूर चूर करेगा, जो मेरे समान बलशाली होगा, संग्राम में मुझे अपराजित मुझको पराजित करेगा, जो ऐसा बर होगा वही मेरा भरतार होगा। बोली, देवी तुम्हें मच्छर की तरह मसल देंगे सुम्न सुम, इसलिए हमारे कहने से चलो। बोले, तुम दूत हो, जो मैंने कहा है सो जा करके अपने राजा को सुना दो। ऐसा कह करके देवी मौन हो गई। सुम्न सुम्ब के पास आकर के सुग्रीव नाम के दूत ने कहा, महाराज वो बड़ी बलशाली है और कह रही है कि मेरे बल को जो चूर चूर करेगा उसी को मैं वरण करूंगी। और वहां एक काली काली देवी और है। काली देवी कौन थी? हैं? पार्वती जी। वो काली हो गई थी और उनकी पुत्री थी कौशकी। तो कौशकी ने कहा था कि जो मुझे हरा देगा उसी से मैं ब्याह करूंगी। बोलो, गौरी मैया की हर हर महादेव। अब तो भगवती की बात सुन करके सुम्न सुम्न खोल गए खून और धूम्रलोचन नाम के अपने सैनिक से कहा, हे धूम्रलोचन जाओ, जाकर के उस सुकुमारी को ले आओ और वहां काली नाम की एक देवी रहती है उसको नष्ट पहले कर देना, उसके बाद में तुम जो है उस कौशिकी को पकड़ करके ले आना, और यदि नहीं आए तो केस पकड़ कर बलपूर्वक ले आना, और यदि सम्मान से आ जाए तो आदर पूर्वक ले आना। अब तो धूम्रलोचन आया और धूम्रलोचन जैसे ही आया, भगवती काली सिंह पर बैठी थी, कौशिकी मैया मुरली बजा रही थी, उसी समय आकर के और धूम्रलोचन ने कहा, देवी चलो नहीं तो तुम्हारे केस पकड़ के ले चलूंगा। अब तो हम शब्द का उच्चारण करके महाकाली ने इस धूम्रलोचन का धुआं उड़ा दिया। बोलो जगदम्बे मैया की। अब तो सेना हाहाकार करके भाग गई और धूम्रलोचन मारा गया, धूम्रलोचन का धुआं उड़ा दिया भगवती ने। अब तो भैया क्रोध में आंख लाल करके सुम्न ने कहा, हे चंड हे मुंड तुम दोनों जा करके और उस देवी को पकड़ के लाओ। अब तो चंड मुंड दोनों आए। चंड मुंड को देख करके भगवती का मुंह टेढ़ा हो गया। उसी समय काली कराल बदनाभ निष्क्रांता सुपासनी बड़ी भयंकर महाकाली प्रकट हो गई। बोलो महाकाली मैया की। हाँ, हड्डियों का ढांचा ही मात्र था, मांस सूखा हुआ था, मुक्त कैसी थी, भयंकर जीव लपलपाती हुई भगवती काली हम का उच्चारण करती हुई गई। चंड मुंड के केस पकड़ लिए और चंड जो चंद्रहास नाम के खड़ग से चंड और मुंड के शीश उतार लिए और ला करके भगवती कौशिकी को दे दिए। लो देवी चंड मुंड नाम के पशुओं की बलि स्वीकार करो। भगवती प्रसन्न भई, बोली मैया तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसीलिए दुनिया में संसार में इस सृष्टि में तुम्हारी चामुंडा के नाम से पूजा होगी। बोलो चामुंडा मैया की। अब तो सुम्न सुम से रहा नहीं गया, रक्त बीज को भेजा। किसको भेजा? रक्त बीज आकर के और देवियों को संकट में डालने लगा, परेशान करने लगा। इधर देवी की सहायता करने के लिए बारह ही वैष्णवी छिन्नमस्ता और भगवती कौमारी और जो इंद्राणी ऐन्द्री इत्यादि सभी देवियां पधारी। सभी देवियों ने युद्ध प्रारंभ किया। रक्त बीज का एक बूंद धरती पे गिरता और वहीं हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते, ऐसा ब्रह्मा जी का रक्त बीज को वरदान था, इसीलिए का नाम था रक्त बीज। अब तो भैया ऐन्द्री नाम की शक्ति ने रक्त बीज पर बाण चलाया। जैसे ही बाण चलाया
बाण लगने पर रक्त गिरा और रक्त गिरने से रक्त बीज, हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। अब तो संग्राम भूमि में रक्त बीज ही रक्त बीज दिखे। अब तो सभी घबरा गए, सभी शंकर भगवान के पास गए। बोले महादेव अब कैसे रक्षा होगी? शंकर जी बोले चिंता मत करो, भगवती उमा इस पर प्रहार करें और देवी महाकाली इस रक्त बीज के खून को पी जाएं, तो खून के पीने से सारे असुरों को देवी चबा जाएं। जिस खून से रक्त बीज पैदा होते हैं उन रक्त बीजों को देवी चामुंडा लपलपाती जीव से पी करके दांतों से चबा जाएं, जिससे कि ये रक्तहीन होकर रक्त बीज अपने आप नष्ट हो जाएगा। शिव जी की आज्ञा मान करके और भगवती जगदम्बा को देवताओं ने स्तवन किया, कहा देवी माँ आप जो है रक्त बीज का खून पी जाओ। इस प्रकार से खून पीने पर रक्त बीज रक्तहीन होके मर जाएगा। और बोलो शंकर भगवान जिनकी नैया संभाले कन्हैया, जिनकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का। एक उसकी ही मंजिल सही है, जो पथिक है प्रभु की डगर का। गम की आंधी उसे क्या डराए, जो प्रभु मौज में झूमता है। रिश्ता है मायापति से,
जग की माया उसे क्या भुलाए, उसकी नजरों में सब है बराबर, उसकी नजरों में सब है बराबर, कोई अपना न कोई पराए। उसकी नजरों में सब है बराबर, कोई अपना न कोई पराए। जिनके दिल में बसा श्याम सुंदर, जिनके मन में बसा श्याम सुंदर, हर कहीं श्याम को देखता है, ढूंढता जो सदा साम को, ढूंढता जो सदा साम को, सामरा भी उसे सदा सावरी को, ढूंढता जो सदा सावरी को, सावरा भी उसे ढूंढता है, सच हृदय से होकर समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है। सदा सावरी को ढूंढता जो सदा सावरी को, सावरा भी उसे ढूंढता है। भोले बाबा भोलेनाथ के। अब तो महाकाली भगवती जगदम्बा ने रक्त बीज को प्रहार किया और चामुंडा देवी ने बलि जीव निकाल करके सारा रक्त पी गई, और जैसे ही रक्त से असुर पैदा हुए उन्हें दांतों से चबा करके चट कर गई। इस प्रकार से रक्त बीज रक्तहीन होके भूमि पर कपाता हुआ तीनों लोगों को गिर पड़ा और इसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो जगदम्बे मैया की। हाँ, निशुंब आया भगवती जगदम्बा ने उसका भी नाश कर दिया। अब शुंभ बोला, इतनी सारी देवियों को सहायता लेकर के मुझसे लड़ती है और बड़ा घमंड दिखाती है। जगदम्बा बोली, पार्वती जी, अरे मूर्ख, ये जितनी भी देवियां हैं मेरा ही स्वरूप हैं और देख ये मुझ में ही समा रही हैं। तुरंत ही सभी देवियां भगवती में समा गईं, अकेली जगदम्बा पार्वती रह गईं। उसी समय सिंहवाहिनी देवी ने बड़ा भयंकर युद्ध किया और शुंभ का अंत कर दिया। बोलो जगदम्बे मात की जय। देवताओं ने अनन्य भाव से स्तुति की है और शिव पुराण में, मार्कंडेय पुराण में और अन्य अन्य पुराणों में देवी के बड़े भारी चरित्र हैं। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा और सिंह पर सवार होकर दर्शन देने आ रही हैं। इसके आगे की कथा अब हम कल कहेंगे। अब भगवती का स्वागत करेंगे और माता का चरणों का वंदन करेंगे, पूजन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव महादेव। बोल से रावाली मैया की। जंगल के राजा हो आए गिर नंदन नंद तमे दिन बे स्वभिनो दिन नंदन थे गिर वर में जसनो दिन वासन वैष्णो बिला तेरे सुनो थे भगवत है तिन कल ठकुटो मिन भोर मुनो मिन भोर गने जय जय हे भय सासुर मर रम्य कवर दिन सर जसुदे मा ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਰ ਕੇ ਤਨੋ
जनते शकर शिरो मई तुम महिमान जंगल जाल यमर जगते मधु मधुरे मधु कैटव गंजनि महिम धारिणि राजरथे जय जय हे महिषा सुर मर्दिनि रम्य गवर्दिनि सैरथु मारम्य गवर्दिनि सैरथुरे मारम्य गवर्दिनि सैरथुरे द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा होगी। काशी खंडोक्त कथाओं में कृतिवासेश्वर व्याघ्रेश्वर और विश्वेश्वर भगवान की कथा होगी और कल पार्थिव लिंग पूजन भी होगा 4 बजे से 5 बजे तक। तो सभी फूल बिलपत्र दूर्वा नैवेद्य फल जो भी लाना चाहें भगवान शिव का पूजन करना चाहें सो लेकर के आएंगे। देखिए भागवत में होता है गोवर्धन पूजन और शिव पुराण में होता है पार्थिव लिंग पूजन। तो जिस दिन ज्योतिर्लिंग की जिस दिन ध्यान से सुनिए जिस दिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा होती है उसी दिन पार्थिव लिंग पूजन किया जाता है और जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है भागवत में उस दिन गोवर्धन पूजन किया जाता है। तो कल क्या है द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा है और पार्थिव लिंग पूजन है। सो सभी पूजा की सामग्री लाएंगे गंगा जल कच्चा दूध गाय का दही शहद घी बूरा जो भी लाना चाहें अर्पित करना चाहें अभिषेक में 4 से 5 एक घंटा भगवान शिव का अर्चन होगा। 108 बेलपत्र चढ़ा करके शिव जी के अष्टोत्तर नाम लिए जाएंगे और द्वादश ज्योतिर्लिंग की पूजा होगी। अब परीक्षित जी जजमान जी जो है भगवती जगदम्बा का पूजन करेंगे भैया जी मंगल गीत गाएंगे उसके बाद में भगवान की आरती होगी। महादेव बोलिए शेर वाली मैया की ओ सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल साचे दरबार की जय। पीछे भाई कर रहे हैं एक बार जोर से जयकार लगाइए बोलिए शेरों वाली मैया की ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके
हर पल माँ की सत विराज है, धन तुम्हारी भक्ति है। हर पल माँ के संग विराजो, धन तुम्हारी भक्ति है। जब तुम्हारे शक्ति है, शक्ति का तुम बोझ उठाते, गजब तुम्हारे शक्ति है। तेरे सुंदर सुंदर नैना कटीले रंग के पीले, मोरे नैनों के बीच समा जाओ जंगल के राजा। माताजी का पूजन करना चाहते हैं, हमारी माँ का पूजन करना चाहते हैं, वो विलंब ना करें, अति शीघ्र आकर के पूजन करें। ओ चल चल बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है। जग में एक ठिकाना सारे गमों के पारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आंख के तारों का। हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया।
माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव उछालो जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को चलते जाओ तो मत देखो अपने पीछे चालों को चलते जाओ ओ जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन ही पाया है चलो सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए बड़े भाव से आरती करेंगे हरि ओम आरती प्रज्वलित करें चंद्रमा मनसोजा दक्षक्षो हो सूर्यो अजाजिधा सोत्रा ध्वाज शिवराण से मुखा अग्नि जायता ज्वाला कराल मत्युग्र से बढ़िया गिर ज्वाला अग्रण मध्युग्राम सहीसा सर्वोदना सुलंबात नोभी त्रिभद्र कादि नमोस्तुते